हेलो बाइक लवर्स, आज की वीडियो में हम लोग भारत में बनने वाली बाइक को कंपेयर करेंगे। आज हम लोग रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 से कंपेयर करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में 349 cc का एयर और ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 2-valve 2-spark पर सिलेंडर वाला इंजन लगा हुआ है, जिसका मैक्सिमम पावर 20.2 bhp 6100 rpm पर मिलता है, जिसके वजह से ये बाइक 27 Nm का टॉर्क 4000 rpm पर प्रोड्यूस करता है। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का वेट 195 kg का है और ये बाइक अपने हर 1 kg के वेट पर 0.10 bhp का पावर लगाता है, जबकि रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 में 349 cc का एयर और ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 2-valve 2-spark पर सिलेंडर वाला इंजन लगा हुआ है, जिसका मैक्सिमम पावर 20.2 bhp 6100 rpm पर मिलता है, जिसकी वजह से ये बाइक 27 Nm का टॉर्क 4000 rpm पर प्रोड्यूस करता है। रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का वेट 191 kg का है और ये बाइक अपने हर 1 kg के वेट पर 0.10 bhp का पावर लगाता है। पावर और टॉर्क के मामले में दोनों बाइक बराबर है। दोनों बाइक में आपको सेम पावर और सेम टॉर्क मिलता है, लेकिन रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का वेट 4.5 kg कम है। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों बाइक एकदम सेम पोजीशन पे है। चलिए अब कुछ और बातें करते हैं। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का टॉप स्पीड 114 km/h का है, जबकि रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का टॉप स्पीड 112 km/h का है और दोनों बाइक में आपको लगभग 35 km/l का माइलेज मिल जाता है। क्लासिक 350 में 13 L की कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि मीटियोर 350 में 15 L कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक मिलता है। मीटियोर 350 में फुल टैंक के साथ आप ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। दोनों ही बाइक वेट मल्टीप्लेट क्लच के साथ आता है। दोनों ही बाइक में डुअल चैनल ABS का ऑप्शन मिलता है। क्लासिक 350 और मीटियोर 350 दोनों बाइक के फ्रंट में 41 mm का टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन का यूज किया गया है। अब व्हील की तरफ चलते हैं। क्लासिक 350 में आपको स्पोक व्हील मिलता है और मीटियोर 350 में अलॉय व्हील मिलता है। दोनों बाइक के फ्रंट में 100/90 19 सेक्शन का टायर मिलता है और क्लासिक 350 के रियर में 100/80 18 सेक्शन का टायर मिलता है, जबकि मीटियोर 350 के रियर में 100/70 17 सेक्शन का टायर मिलता है। क्लासिक 350 में आपको ट्यूब टायर मिलता है, जबकि मीटियोर 350 में ट्यूबलेस टायर मिलता है। रॉयल एनफील्ड का सीट हाइट 805 mm का है, व्हील बेस 1390 mm का है और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का है, जबकि मीटियोर 350 का सीट हाइट 765 mm का है, व्हील बेस 1400 mm का है और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का है। अब दोनों बाइक के प्राइस को भी जान लेते हैं, उसके बाद बाइक के फीचर्स को देखेंगे। चलिए प्राइस को जान लेते हैं। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का बेस वेरिएंट का प्राइस लगभग 1,92,000 रुपये है और इसके टॉप वेरिएंट का प्राइस 2,20,000 रुपये है, जबकि रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का प्राइस 2,06,000 से 2,22,000 तक है। चलिए अब दोनों बाइक के फीचर्स को देख लेते हैं। बाइक के फीचर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन दोनों बाइक से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट में या इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बाइक की कंपैरिजन के साथ। जय हिंद।